महामारी को रोकने के लिए उठाया गया एक अभूतपूर्व कदम लॉकडाउन है। यदि इस दौरान कोई भी बेवजह बाहर आता है तो उस पर कार्यवाही का प्रावधान है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि अधिक लोग बाहर ना आ सके। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लॉकडाउन के दौरान दो फेरी वाले कपड़ा बेचने निकले थे। इस दौरान पुलिस की नजर उन पर पड़ी। फेरी वाले पुलिस को देखकर भागने लगे। इसके बाद कोतवाली टीआई ने देर ना लगाते हुए अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों की खोज खबर लेनी शुरू कर दी और पुलिस को बाहर से आकर जिले में रहने वाले लोगों की जानकारी मिल गई। ऐसे में पुलिस ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी है। वहीं पुलिस को बिना किसी जानकारी दिए दिगराज राज्य के लोगों को पनाह देने वाले ताज गेस्ट हाउस के दोनों संचालक व फेरी वालों को रायगढ़ लाने वाले ठेकेदार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल को कोतवाली टीआई अपने स्टाफ के साथ रूटीन चेकिंग पर निकले थे। तभी टीआई ने शहीद चौक के पास देखा कि दो फेरी वाले जो कि कपड़ा बेचते हैं वे पुलिस को देखकर भाग रहे थे। ऐसे में पुलिस को उन पर शंका हुई और पुलिस ने उनका पीछा भी किया, लेकिन दोनों फेरी वाले भागने में कामयाब हो गए। इसके बाद टीआई ने दिगर प्रांत से आकर अपने जिले में रहने वाले ऐसे लोगों की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। तभी मुखबिर व अन्य माध्यमों से टीआई को पता चला कि काफी संख्या में यूपी के लोग बीड़ पारा स्थित ताज गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। सूचना मिलते ही टीआई दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और वहां छापेमार कार्यवाही की गई। तब पुलिस ने देखा कि यूपी के मुजफ्फरनगर निवासी 18 लोग चोरी छिपे वहां पर रुके हुए थे। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ कर और उनसे जानकारी जुटाई तो पता चला कि वहीं 15 और लोग चांदनी चौक स्थित एक घर में ठहरे हुए हैं। इसके बाद पुलिस की टीम वहां भी पहुंची। पुलिस ने बाहरी लोगों को सख्त हिदायत दी है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकले, अन्यथा उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ऐसे लोगों की जानकारी छिपाने और शासन प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए अपने गेस्ट हाउस में सामूहिक रूप से लोगों को रखने वाले ताज गेस्ट हाउस के संचालक मोहम्मद रहीम, पिता मोहम्मद रसीद निवासी बीड़पारा व एक अन्य को तथा फेरी वाले को रायगढ़ लाने वाले ठेकेदार मोहम्मद आबिद, पिता मोहम्मद एजाज निवासी बुहाना मुजफ्फरनगर यूपी के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्यवाही की गई है। रूटीन चेकिंग के दौरान 2-6 अप्रैल को दो फेरी वाले मिले जो कि पुलिस को देखकर भाग गए। इसके बाद उनके यहां आने व रहने की जानकारी जुटाने पर पता चला कि कुछ लोग ताज होस्ट गेस्ट हाउस व कुछ लोग कुछ दिनों से चांदनी चौक में रुके हुए हैं। वहीं इनके रुकने को किसी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी है। ऐसे में लोगों को घर से बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं गेस्ट हाउस संचालक व ठेकेदार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। एएन सिंह टीआई कोतवाली ने इसकी जानकारी जुटाई है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.